आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार में शिक्षक नियोजन नियमावली में होगा बदलाव। इस न्यूज को जानने से पहले ये न्यूज थोड़ा देख लेते हैं। हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में 19,502 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगा है ग्रहण। आप देख सकते हैं कि 3,55,000 नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में रहने के कारण फिलहाल बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो पा रही है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला आने के बाद ही नियुक्ति पर विचार हो सकेगा। कहने का मतलब साफ है कि बिहार सरकार साफ तौर पर अब चाहती है कि 12 जुलाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा उसके बाद ही बिहार में शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं कि 5,000 से भी अधिक उत्क्रमित उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पे शिक्षकों की काफी ही कमी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षक दिवस पर घोषणा किया था कि केंद्रीकृत तरीके से जो है बहाली की प्रक्रिया पूरी होनी है। इस वर्ष पहले बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होना था, विद्यालय शिक्षक चयन आयोग के माध्यम से नहीं बहाली हो सकेगी। अब जो है विद्यालय शिक्षक चयन आयोग के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की नई बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। पहले जो है नियोजन इकाई के माध्यम से होता था लेकिन अब जो है विद्यालय शिक्षक चयन आयोग के माध्यम से नई बहाली हो सकेगी। कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है उसी प्रकार विद्यालय शिक्षक चयन आयोग का गठन की भी बात कही जा रही है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अब जो है बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रही है। पहले जिस तरह से जो है नियोजन की प्रक्रिया शिक्षक नियोजन इकाई के माध्यम से होती थी लेकिन अब जो है बिहार शिक्षक चयन आयोग की गठन करने के बाद जो है बिहार में शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया केंद्रीयकृत तरीके से बहाल करने पर विचार की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा फैसला है। अब इससे ये फायदा होगा कि फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक लगेगा। पिछले वर्ष जिस तरह से जो है फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली की गई थी उसके बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है इस पर रोक लगाने के लिए। तो दोस्तों